मूसा वाले के दोस्तों ने खोल दिया राज। हत्या वाले दिन क्या हुआ था मूसा वाले के साथ? गाड़ी में सवार दोनों दोस्तों ने किया बड़ा खुलासा। वाकई में मूसा वाले के पास असला होता तो क्या वो बच जाते? मूसा वाले की हत्या के बाद से देश में सनसनी फैली हुई है। जितने मुंह उतनी बातें, अलग अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है। कोई ना कोई एंगल पर अपनी अपनी कहानियां बनाई जा रही हैं। मगर आज हम आपको मूसा वाले के साथ गाड़ी में सवार उन दोस्तों की दर्दनाक वारदात के दौरान की दास्तान बताने जा रहे हैं। तो सुनिए, आंखों देखी वारदात की दास्तान को सुनिए। क्या हुआ था उस वक्त, कैसे दो दो गाड़ियां मूसा वाले का पीछा कर रही थी, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ था। दोस्तों ने बताया कि घटना वाले दिन मूसा वाले का कोई भी शो नहीं था, इसलिए उन्होंने घर में समय बिताने का ही मन बनाया। लेकिन दोस्तों के मुताबिक अचानक से मूसा वाले ने अपनी बीमार मौसी को देखने का मन बनाया। उसी अंदाज में मूसा वाले ने अपनी सबसे पसंदीदा कार पजेरो को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो पंचर निकली, जिसमें उनके साथ उनके गनमैन को भी जाना था। लेकिन फिर मूसा वाले ने अपने दोस्त गुरमिंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह को अपने पास बुलाया और अपनी थार निकाल ली। अमूमन मूसा वाला ड्राइवर को साथ लेकर जाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उनके दोस्त उनके साथ थार गाड़ी में सवार हुए, इसलिए मूसा वाले ने ड्राइवर और गनमैन को साथ ना ले जाने की बात बोली, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी। फिर लगभग अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर मूसा वाले की कार तेजी से बढ़ी, तो दोस्तों के मुताबिक एक कोरोला कार उनकी थार का पीछा करने लगी। दोस्तों ने मूसा वाले को आगाह भी किया कि कुछ गड़बड़ लग रही है, ये कार पीछा कर रही थी। तो मूसा वाले ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि कोई फैन होगा। आपको बता दे कि अक्सर मूसा वाले के साथ ऐसा होता था कि मूसा वाले के पीछे उनके फैन पड़ जाते थे, फोटो खींचते थे और बाद में चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुश्मनों को फैन समझा और ये गलती हो गई। मूसा वाले ने गाड़ी दाएं मोड़ी तो पीछा कर रही गाड़ी ने बाएं मोड़ लिया, यानी जो शक मूसा वाले के दोस्तों को हो रहा था वो शक कुछ ठंडा हुआ, क्योंकि रास्ता गाड़ी ने बदल लिया। लेकिन अगले ही पल जो गाड़ी पीछा कर रही थी उसने तेज रफ्तार में आकर ओवरटेक कर दिया। बदमाशों ने सबसे पहले थार के टायरों पर गोली मारी और उसे पंचर कर दिया। फिर बदमाशों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। मूसा वाले ने हिम्मत रखते हुए अपनी पिस्टल से जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत मूसा वाले के साथ नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पिस्टल में सिर्फ दो गोलियां ही थी। दोस्तों का कहना है कि दो गोलियों की भनक मूसा वाले को भी नहीं थी। चलिए अब एक और बड़े खुलासे का भी जिक्र कर लेते हैं। खुलासा ये कि मूसा वाले की मौत के पीछे एक और सनसनीखेज खुलासा जुड़ा हुआ है, क्योंकि लॉरियस बिश्नोई, जिसका नाम इस पूरे के पूरे गैंग वॉर में बताया जा रहा है, उसने जो खुलासा किया है उसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। चलिए अब वो भी जान लीजिए कि बिश्नोई ने मूसा वाले की मौत को लेकर क्या कहा। मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक बिश्नोई ने कहा है कि मूसा वाले को किसने मारा ये तो पता नहीं, लेकिन मूसा वाले की हत्या के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, और सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली गई है उस पोस्ट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरी आड़ में किसी ने ऐसी हरकत की है। मैं बस इतना जानता हूँ कि 7 अगस्त 2021 में यूथ अकाली नेता विक्की मधुखेड़ा की कुछ लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिसमें मूसा वाले के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल वो पुलिस से बचकर ऑस्ट्रेलिया भाग गया। ये हत्या इसी वजह से हुई है, ये हत्या बदले की आग का नतीजा है, और मेरे नाम का सहारा लेकर असली अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दे कि एक और खुलासा जो आपको हैरत में डाल देगा और सवाल खड़ा करेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा, क्योंकि ये खुलासा अप्रैल 2021 से जुड़ा है, जब पुलिस ने दिल्ली के जाने माने गैंगस्टर शाहरुख को गिरफ्तार किया था। उसने बताया था कि वो मूसा वाले की रैकी करने पंजाब गया था। इस बात की सुपारी बिश्नोई गैंग ने उसे दी थी, लेकिन वो अपने काले मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। उसने दिल्ली पुलिस को बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान बिश्नोई गैंग ने मूसा वाले का काम तमाम करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तब सुरक्षा के मद्देनजर ये काम आसान नहीं था। इसी के चलते बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी दूसरे शार्प शूटरों को दे दी थी। दिल्ली पुलिस को इस पुराने राज की तब जानकारी थी, तो सवाल ये कि उसने पंजाब पुलिस को ये इत्तला क्यों नहीं की। इसी को लेकर जब मनसा के एसएसपी से सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने नो कमेंट कहकर पल्ला झाड़ दिया। मूसा वाले का विवादों से पुराना नाता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी तो 3 साल में 23 धमकियों का जिक्र तक हो रहा है। यानी दोस्तों की जुबानी मूसा वाले की आखिरी कहानी से एक बात तो साफ है कि घात लगाकर मूसा वाले को मारा गया,
रैकी हुई, पीछा हुआ और फिर घेर कर बदमाशों ने मूसा वाले की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।